अगर आप राजनीति में रुचि रखते हैं तो यह बात अच्छे से जानते हैं कि हरियाणा की राजनीति में आज सबसे अधिक इंतजार किस बात का है। निर्विवाद रूप से आपका जवाब होगा कि कांग्रेस की सूची का। लेकिन कांग्रेस न तो आपकी सुन रही है न हमारी, कांग्रेस बस अपनी सुन रही है। सूत्रों के अनुसार अपनी सुनकर ही कांग्रेस ने सभी 9 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का अंतिम पैनल तैयार कर लिया है। पैनल से नाम फाइनल होकर जल्द ही सूची बाहर आएगी। लेकिन इन दिनों एक बड़ी चर्चा इस बात की चल पड़ी है कि कांग्रेस के ही कुछ दिग्गज सर्वे से अधिक भाजपा की पसंद से टिकट आवंटित करवाना चाह रहे हैं। इसके पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि भाजपा से मिलीभगत रखने वाले कुछ कांग्रेसी नेता ताकतवर की बजाय कुछ सीटों पर कमजोर उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, जिससे भाजपा को फायदा मिल जाए। अपनी बात को तर्कसंगत ठहराने के लिए कहीं पर जाति का सहारा लिया जा रहा है तो कहीं पर किसी अन्य गणित का। इसी कारण यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि कहीं कांग्रेस के उम्मीदवारों के चयन में भाजपा का दखल तो नहीं। इसका जवाब हम नहीं बल्कि समय देगा। जहां तक गुड़गांव लोकसभा सीट की बात है, वहां पर इस समय कैप्टन अजय सिंह यादव और अभिनेता से नेता बन चुके राज बब्बर का नाम लिया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार कप्तान अजय सिंह अपने टिकट के लिए किसी भी सूरत में सोनिया या राहुल गांधी के पास अपने समधी लालू प्रसाद यादव की अप्रोच नहीं लगवाएंगे। कैप्टन के पैरवी न करने की स्थिति में यहां से राज बब्बर या कोई गैर यादव अन्य चेहरा भी मैदान में उतर सकता है। यादव समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिए महेंद्रगढ़ भिवानी की टिकट राव दान सिंह को दी जा सकती है। अभी हम इतना ही कह सकते हैं कि कांग्रेस का पैनल तो तैयार है, लेकिन जहां पर 2 से अधिक नाम है वहां पर मंथन होगा। हिसार में सोनीपत में भी नए नामों पर मंथन होगा। एनजेपी का अपना अनुमान है कि सिरसा से कुमारी सैलजा और रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा का नाम लगभग तय है। दोनों नामों पर कहीं कोई विरोध नहीं है, लेकिन हुड्डा परिवार में दीपेंद्र हुड्डा सबसे भारी होते हुए भी कुछ लोगों की ओर से कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कभी आशा हुड्डा का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी तरह करनाल में अब मराठा वीरेंद्र के अलावा वीरेंद्र राठौड़ सहित कई नाम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी की बजाय अब अचानक विधायक सुरेंद्र पवार का नाम भी आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर महेंद्रगढ़ भिवानी से राव दान सिंह मैदान में आते हैं तो फरीदाबाद सीट से कर्ण सिंह दलाल को उतारा जा सकता है। हिसार से एक बार फिर कई नाम चर्चा में आ चुके हैं। अंबाला में वरुण मुलाना पर सहमति है। करनाल, सोनीपत, हिसार में फरीदाबाद, गुड़गांव और महेंद्रगढ़ भिवानी सहित 6 सीटों पर अभी भी पार्टी द्विधा में है। नेताओं की बोली का अपना गणित है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने सही चयन पर मोहर लगाई तो इस बार भाजपा का 10 का दम बेदम होने की पूरी संभावना बन गई है।